वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पिज्जा, वो भी हम कढ़ाई में। सबसे पहले हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है, हम बनाते हैं पिज्जा का बेस। बेस बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा लिया है। अब उसमें डालेंगे मीठा सोडा, थोड़ा बेकिंग पाउडर, दही 2 चम्मच और थोड़ा सा नमक। अब इसको गूंद लेते हैं। अब हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। अब हमारा 10 मिनट हो चुके हैं आटा गूंदे को। अब इस कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम एक कटोरी रखेंगे। अब हम अपना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको बेल लेते हैं। अब हमने बेस को बेल लिया है। मैंने अपनी प्लेट में घी लगा के रख दिया है। अब इसमें बेस को रखेंगे। अब एक फोर्क की मदद से हम इसमें छेद करेंगे। अब इस पे टमाटो केचप डालेंगे। पूरा बेस को कवर कर लेंगे। डालेंगे मैंने यहाँ सब्जियां ली है। मैंने ली है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। आपको जो भी सब्जी पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज डालेंगे। चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम अपने बेस को इसमें रखेंगे कढ़ाई में। अब हम इसको ढक देंगे ऊपर। अब हम इसको खोल के देखते हैं हमारा पिज्जा है वो रेड हो चुका है क्या या नहीं। पहले इसको खोलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चाकू लगा के देखेंगे। देखिए हमारा पिज्जा चिपक नहीं रहा। अब ये बनकर तैयार हो चुका है पूरा। अब इसको हम निकालेंगे, गैस को बंद करेंगे और इसको निकालेंगे। हमारा पिज्जा बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।